गोले बारूद, धुएं के गुबार और बम के धमाकों के साथ इजराइल के लोगों की सुबह दिल दहला देने वाली रही। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5,000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे, जिससे पूरे देश में हर तरफ आग, धुआं, शोर और हंगामा मच गया। इतना ही नहीं, हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ कर सैन्य वाहनों पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ इजरायली नागरिकों को भी बंधक बना लिया। इस हमले के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब इजरायली सेना ने हमास पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए एयरफोर्स के विमानों द्वारा गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया है। इजरायल की सेना द्वारा बमों से हमास को दिए गए जवाबी हमले के बाद अब गाजा पट्टी में हर तरफ आग, धुआं और अफरा तफरी मची हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।